नमस्कार और आप सबका स्वागत है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीरीज में, और ये है एपिसोड नंबर 5 फार्म मैनेजमेंट के टॉपिक पर। फार्म मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये फसलों को व्यवस्थित करने में मदद करता है और उत्पादकता को बढ़ाने में। आज हमारे साथ मिस्टर आर माधवन, जो हमारी मदद करेंगे फार्म मैनेजमेंट को समझने में। स्वागत है माधवन जी। मैं बहुत खुश हूं कि हम ये कर रहे हैं। आज हम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। लोगों को आश्चर्य होगा कि फार्मिंग में मैनेजमेंट क्यों? खेती को और क्षेत्रों की बजाय ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसान हूँ, इसे बहुत सारी मैनेजमेंट स्किल्स और मैनेजमेंट क्षेत्र की ज़रूरत होती है। जबकि किसान चीज़ों को मैनेज करने में बहुत सक्षम है, पर उनके पास ज़रूरी चीज़ों की कमी होती है कि पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि मैनेजमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल अपनी खेती के तरीके प्लान करने से एक साल पहले सोचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, पर करना होगा। देखिए, बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है या कुछ और हो सकता है, पर हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी, जो है प्लानिंग करना और बढ़िया की उम्मीद करना। मैं इसे होमवर्क कहूँगा, हमें इसे करना होगा बेस्ट। कुछ भी हो हम सामना करेंगे, क्योंकि हम अनिश्चितताओं को नहीं जानते और हम किसान होते हुए अनिश्चितताओं के साथ खेल रहे हैं, तो हैरान ना हों। हम हमेशा से प्रकृति पर निर्भर हैं। हम हमेशा से मजदूरों से संबंधित समस्याओं पर निर्भर हैं। हम हमेशा मजदूरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जो ये सब समस्याएं पैदा करेंगे, और हम सब ये जानते हैं। फिर भी मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब खेती में मैनेजमेंट से आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, जो आप अगले साल करना चाहते हैं उसकी इस साल योजना बनानी होगी। कैसे? तो आपको एक रिकॉर्ड बनाना होगा कि आप हर रोज अपनी खेती में क्या क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज आप भूमि की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, अपनी भाषा में अपने आसान तरीके से लिख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किताब लिखें, बस ये एक मार्गदर्शक की तरह हमारे लिए काम करेगा। अब एक उदाहरण के तौर पर, आपने एक वैरायटी बनाई है। मान लीजिए आपने भुट्टे की कोई किस्म बनाई है, आप उसे उगाने की कोशिश करते हैं। अब ताकि आपको समझ आए, उसके लिए आपको उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। जैसे जर्मिनेशन की परसेंटेज क्या होगी, मैंने 100 बीज उगाए, उनमें से कितने बीज उगे। हम इंसान हैं, हम इसे भूल सकते हैं अगले साल तक, ये आम बात है। अगर आप इसे रिकॉर्ड करेंगे वैरायटी के साथ, तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इतने बीज उगाए और इतने उगे, और मुझे हर 100 बीज पर इतने पौधे मिले। और आप अलग अलग ट्रायल भी ले सकते हैं और देख सकते हैं अच्छा कौन सा है, और उसकी अगले साल बिजाई कर सकते हैं। ये था एक फसल का चुनाव। अब बेचने की क्षमता, बेचने की क्षमता भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मैनेजमेंट क्षेत्र का। बेचने का तरीका क्या था? पिछले साल जब आपने फसल उगाई, अपनी फसल बेचकर उससे प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आप केवल इसे मंडी में बेचने के लिए इसे ऐसे ही डाल रहे थे। आपकी समस्याएं क्या थी? अगर आप इस पर एक नोट बनाएं तो इस पर वापस आएं। अब ये समस्या है चुनाव, बेचने की और फसल के प्रदर्शन की। हमेशा अपने खेत की रिपोर्ट लिख लें। मैं कैसे लिखता हूँ? मैं एक डायरी में लिखता हूँ। एक सिंपल डायरी लें, एक दिन की कार्यकारिणी के लिए एक ही पेज प्रयोग करें। अगर उस दिन आप कोई कार्य नहीं कर रहे, तो उस पेज को खाली छोड़ दें। वो डायरी देखिए, मेरे पास पिछले 33 साल से डायरी है, जितना भी मैंने खेत में काम किया है सबका, तो वहाँ मैं लिखूँगा आज मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। पर फिर भी आप लिख सकते हैं कि आज बारिश हुई, भारी बारिश, हल्की बारिश, औसत बारिश। अगले स्तर पर जाकर मैं क्या करता हूँ, बारिश को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैनेजमेंट में
बहुत ही सरल और सस्ते टूल्स उपलब्ध हैं। केवल और केवल 200 रुपये में, 100 रुपये में आप माप कर डायरी में लिख सकते हैं। अब ये आपकी मदद कैसे करेगा आपके सिंचाई के शेड्यूल को मापने में? मान लीजिए मुझे 2 इंच की बारिश मिली। 2 इंच की बारिश पिछले एपिसोड में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में चर्चा की थी, सीजल वाले एपिसोड में। 24 घंटे में अगर 1 इंच बारिश मिले तो आप 1 एकड़ में कई लीटर पानी बचा लेते हैं। अब आपको पता है नीचे कितना पानी जा चुका है, सिंचाई करनी है ये आप डिसाइड करेंगे, तो डेटा रिकॉर्ड करना आपकी मदद करेगा आपकी कार्य प्रणाली को फायदेमंद बनाने में। हमने इस पर चर्चा की एग्रीगेशन में ये कैसे जरूरी है, सिंचाई की योजना जरूरत के हिसाब से ना कि कैलेंडर के हिसाब से। ज़्यादातर किसान दुर्भाग्यवश इस संडे को मैंने सिंचाई की थी तो इस संडे को करनी चाहिए, नहीं, आप खाते हो जब आपको भूख लगी हो, ना कि आपको हर 3 घंटे खाना ही है। अगर आपको भूख लगी है तो खाओ वरना मत खाओ। बिना भूख खाने से क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, फसल के साथ भी बिल्कुल यही होता है, तो हम एक जैसे हैं। तो अब अगली जरूरी चीज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन एक सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा फसल एक के बाद एक उगाई जाती है। उदाहरण के लिए मैंने गेहूं उगाया, अब एक ही धरती में बार बार गेहूं मत उगाएं। क्रॉप रोटेशन के बहुत सारे फायदे हैं अगर वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करें। अब उससे आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं हमें किस चीज की जरूरत है, पौष्टिक खाने की, सालाना कम खर्चे पर, है ना? तो आप कैसे करेंगे? अनाज की फसल उगानी होगी। अनाज क्या है? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज के अंदर आता है, अनाज की फसल। ठीक, तो आपने उपयुक्त अनाज बना लिया है। अब आपको प्रोटीन चाहिए। ज़्यादातर भारतीय शाकाहारी ही होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो हम उनको प्रोटीन कैसे दें? जरूर दूध से बने पदार्थ हैं, लेकिन आप किसान होकर इस पर कैसे काम करें? दालें अहम भूमिका निभाती हैं। अब क्रॉप रोटेशन में योजना बनानी होगी कि दाल कब उगानी है। ये जगह, क्षेत्र और मौसम के लिए अलग होता है, पर हमारे शेड्यूल में सोचना होगा कि साल में एक फसल दाल की उगाई जाए। तो अगला है सब्जियाँ, यहाँ से आप पैसा कमाते हैं और सारे मिनरल्स आपकी सब्जियों से आते हैं। उस विंडो का अब आपको हिसाब करना होगा। अब इन तीनों को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। पहले हम इकोनॉमिक्स पर बात कर लेते हैं, फिर हम विज्ञान पर लौटेंगे। इकोनॉमिकली क्या? अनाज की फसल उगाने में बारिश का प्रयोग कर रहे हैं और जो पानी बचाया है वो आप दूसरी फसल को दे सकते हैं। सिंचाई की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपने हर विषय दोहरा लिया है जिसकी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में चर्चा की है। पिछले वीडियो देखकर एक बार फिर सुन लें, आप समझ जाएंगे। दूसरी फसल के लिए आप सब्जियों के साथ जा सकते हैं। सब्जियाँ बहुत कम पानी और एग्रोनॉमिकल कंडीशंस जो हमारे लिए सही हों। भारत में हमारे पास मौसम का बहुत ही अच्छा फायदा है, फिर इसे जाने, अच्छी तरह से जाने, उसके बाद उस पर विचार करें। केवल भारत ये कर सकता है, कोई दूसरा देश ये फायदा नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। कोई ये नहीं कहेगा कि सूर्य के प्रयोग के लिए 5 रुपये दो, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। ये हमेशा आपके लिए है, कभी भी प्रयोग करें। और दूसरे देश सूरज के लिए रो रहे हैं, उन्हें लाइट लगानी होगी, गर्मी देनी होगी। भगवान का शुक्र हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं, वो इसे बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। रोशनी और गर्मी किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, जिसको आप सस्ते में नहीं पा सकते और हमें मुफ्त में मिल रही है। सोचो आप मैनेज कर पाओ सूरज और गर्मी को,
और उसे मिट्टी के पोषक तत्वों में डाल पाएं, आप कमाल कर सकते हैं। दूसरी फसल सब्जी के रूप में, जो भी सब्जी आपके क्षेत्र में है जिसे आप बेचने की क्षमता रखते हैं, कृपया ध्यान रखें। एक और बात, लोग मुझे कहते थे सर ब्रोकली चेन्नई में नहीं उगेगी। देखिए मैं साउथ इंडिया के हिस्से में रहता हूँ जी, तमिलनाडु में ब्रोकली वहाँ नहीं उगाई जाती कहते हैं। आप मेरी फसल देख सकते हैं जो मेरे खेत में उगी है, स्क्रीन पर फोटो दिखाई गई है, ब्रोकली और पत्ता गोभी। एक काम जो मैं करता हूँ, मैं इसे एक खिड़की पर रख देता हूँ। हमारा मौसम चक्र बहुत अच्छा है, आपको केवल उसे पढ़ना होगा। ज़्यादातर फसलें 100 या 120 दिन की होती हैं जो भी आप उगाते हैं। हमारे पास सुंदर विंडो है, कुछ फसलों को गर्मी पसंद है और कुछ फसलों को कम गर्मी चाहिए होती है, उसके लिए कमरा है, गर्मी के लिए कमरा है, और कुछ फसलों को बारिश पसंद है। हमारे पास तीनों ही हैं, सभी तीनों मौसम हमारे लिए उपलब्ध हैं। अपनी फसल पर आधारित धान, तो अब मैं क्या करता हूँ, हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट का मानसून, भारी बारिश, वो भी बहुत भारी लगातार, ये सब चीज़ें। धान इनसे प्यार करता है, मैं वहाँ धान उगाता हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि धान की सिंचाई होती है, वहाँ बारिश है, धान को पानी में खड़ा होना बहुत पसंद है, ये सब साफ है। मैं प्रकृति की ओर बढ़ता हूँ, वो पल जब मौसम बारिश से सर्दी की तरफ जाता है, वो सूखा होता है उसी समय ठंडा, मैं वहाँ सब्जियाँ बो देता हूँ, क्योंकि वो मौसम सब्जियों का प्यारा होता है, बारिश नहीं उसी समय पर सूरज भी। हम सब जानते हैं, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, सब कहते हैं उत्तरायणा दक्षिणायणा दो, इसका मतलब आप सब जानते हैं, सूरज का संक्रमण जो कि 15 जुलाई से 14 जनवरी तक होती है, तो ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा और कम लाइट आवर्स देती है, तो आप चुनें कि सबसे ज़्यादा लाइट आवर्स पसंद है, तो उसी समय हम थोड़ा सूरज से दूर होते हैं तो ये ज़्यादा तीव्र नहीं होता। कटाई कर सकते हैं और कोई सब्जी की फसल उगा सकते हैं, मैंने कहा दालें, वो बहुत कम समय की होती हैं और उन्हें थोड़ा ज़्यादा सूरज चाहिए और उनको पानी की ज़रूरत कम है। इसे अपने शेड्यूल के अंत में डालें, गर्मियों की ओर, मतलब कि जब आप गर्मी के पास पहुँचें तो आप दाल उगा पाएं। दाल, मैं अब इस पर आऊँगा कि मैनेजमेंट में तीन रोटेशन क्यों। अगर आप मोनोक्रॉपिंग करेंगे, मतलब गेहूं गेहूं गेहूं, चावल चावल चावल, गन्ना गन्ना गन्ना, आप कीटों को बुला रहे हैं वहाँ रहने के लिए, और खनन भी किसी एक पोषक तत्व के लिए खोदा जाता है क्योंकि आप धान या गेहूं डाल रहे हैं, और अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो अलग अलग फसल अलग अलग पोषक तत्व मांगेंगी, इसका मतलब मिट्टी एक समान रूप से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएगी, खनन भी समानता में। दालें, उनका एक अच्छा फायदा है नाइट्रोजन फिक्स करने का, हवा से जड़ों में, मतलब ये आपके लिए एक फायदा है, वातावरण में नाइट्रोजन फ्री में मिलती है। दलहन फसलों को उगाकर तीसरी फसल के रूप में अपनी मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, मतलब एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व मुफ्त उपलब्ध है अगर आप मैनेज कर हवा से मिट्टी में डाल पाएं, और ऐसा दाल की फसल करती है, और हम सब दाल खाते हैं, भारत में ज़्यादातर लोग दाल खाते हैं, किसी भी खेत में चाहे आप सांभर बनाएं, दाल बनाएं या फिर उसे छोंकें, लेने के बारे में छोड़े पर हम इसे खाते हैं, दाल हमारे खाने का हिस्सा है, लगभग हर रोज दो बार हम किसी ना किसी तरीके से इसे लेते हैं, चाहे इडली बनाएं या कुछ और, तो कैसे भी दाल लेते हैं। तो अब दाल हमें प्रोटीन देती है और मिट्टी की सेहत का ख्याल रखती है। अब मैनेजमेंट पार्ट पर, महत्वपूर्ण बात ये है कि हम तीन फसलें केवल भारत में ही उगा सकते हैं, तो हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। इसके लिए हमें केवल मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा फसल के दौरान, नहीं ये इसके बारे में है, जनरल एग्रोनॉमिकल इकोनॉमिक्स क्रॉप रोटेशन का महत्व, इन चीज़ों को याद रखने के लिए। अगली चीज़ जिस पर मैं बात करूँगा वो है मैनेजमेंट फसल चक्र के दौरान, ये बहुत ही ज़रूरी है।
जब फसल उगती है बच्चे की तरह होती है, बच्चे की तरह ख्याल रखना होता है। इसके तीन विंडो होते हैं इंसानों की तरह। मैं इसकी बार बार इंसानों से तुलना कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमारा बचपन होता है, जवानी होती है, रिप्रोडक्शन होती है और बुढ़ापा। मतलब आप एक बच्चे हैं जो स्कूल जा रहा है, खेल कूद कर बड़ा हो रहा है। आप केवल खेल कूद नहीं कर रहे, बढ़ भी रहे हैं। मतलब आपकी ग्रोथ बचपन में होती है, कुछ सालों बाद आप नहीं बढ़ते हैं, बस इतना। उस बढ़ने के समय पर मैनेजमेंट एक अहम भूमिका निभाती है, जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है। क्या आपने ठीक से खाया, क्या आप सब अच्छे से कर रहे हैं, क्या आप बढ़ रहे हैं। आपने वास्तव में देखा होगा अपने बचपन के बारे में, आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि आपकी माँ हर महीने आपका वजन करती थी, आपको अस्पताल ले जाती थी वजन मापने के लिए हर महीने जब आप बढ़ रहे थे। ऐसा क्यों? सभी पोषक तत्व तो आपके अंदर पोषण पहुंचा रहे थे कि नहीं आपके सिस्टम में? फसल उगाते हुए आपको ये सब ध्यान रखना होगा वेजिटेटिव फेस के दौरान। अब हम इसे बचपन कहते हैं, जो कि वहाँ वेजिटेटिव है। इस अवस्था में आपको उन्हें कीट मुक्त रखना बहुत जरूरी है। इन सब के पीछे की सोच धरती के पर यूनिट एरिया में फसल के प्रदर्शन को बढ़ाना है। ये बहुत आसान है, धरती के पर यूनिट एरिया में फसल के प्रदर्शन को बढ़ाना। जैसे कि मेरे पास एक एकड़ धरती है, मैंने उस एक एकड़ धरती का इस्तेमाल किया है अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में। इसका मतलब क्या? ये सब स्टेप आपकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए होने चाहिए। उत्पादकता आपकी चाबी है। देखिए, फसल एक सही वातावरण में वह खुद को काबू कर सकती है। बात यह है, आप उतना दें जितने की ज़रूरत है, और आप मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में जानना होगा। हम बात कर रहे थे फसल उगते समय, मैंने कहा था वेजिटेटिव के दौरान ये कीट और खरपतवार मुक्त होने चाहिए। इरिगेशन पर ध्यान दें, सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना होगा शुरुआती समय में, वेजिटेटिव स्टेज के दौरान। हमारी तरह जब हम बच्चे होते हैं तो हमें भागना होता है, कूदना होता है, खेलना होता है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, नहीं तो आप इंसान नहीं हैं। एक बच्चे के नाते आपको खेलना, कूदना, रोना, ये सब करना होगा। शरारत भी करेंगे ताकि आपकी मम्मी आपके पीछे घूमती रहे। ये आपकी ग्रोथ का एक हिस्सा है। अगर आपकी ग्रोथ सेहतमंद रहेगी, जब आप बढ़ते हैं, वयस्क बनते हैं, अडल्ट, प्रजनन के दौरान आपका दिमाग और अच्छे से काम करता है। ऐसे ही सभी चीज़ें दी जाती हैं फसलों के लिए, पोषक दिया जाता है तो फसल प्रजनन के लिए खड़ी रहती है। प्रोडक्शन क्या है? मतलब कि उत्पादन के लिए वे तैयार हैं, जैसे अनाज, फल, कुछ भी वो हमें वापस करते हैं। अगर इस दौरान अच्छे से मैनेज नहीं किया गया तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो। कटाई के समय आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो आपको मैनेजमेंट करनी होगी बिल्कुल शुरुआत में। हमने बहुत सारे एपिसोड्स में बात की है, इसीलिए मैंने कहा था 60% भूमि की तैयारी में जाना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने इसके बारे में बात की थी। मैंने कहा था हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा भूमि की तैयारी पर। क्यों? ताकि हम अपने फायदे बढ़ा सकें। देखिए, फसल का उत्पादन पर यूनिट एरिया, हमारी रिसर्च और विज्ञान में बढ़ोतरी, खेती में पौधों की प्रजातियों के बारे में पता चला है, हमारे पास हैं बहुत सारी वैरायटियां जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक्स। पर जिनके पास जेनेटिक क्षमता है, पर अब आप उस बीज से जेनेटिक क्षमता कैसे ले सकते हैं, है ना? और मैनेजमेंट, नर्चरिंग क्या है? मैनेजमेंट, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं कि बीज आपको अच्छा फल दे। एक अनाज को मुझे क्या देना चाहिए? 1000 अनाज, मैं कैसे करूं इसको लेने के लिए, क्या करूं? तो मैनेजमेंट स्किल्स शुरुआत से ही हमारे पास आती हैं, एक साल पहले योजना बनाने से। अगले साल आपको क्या उगाना है, अगले साल कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, इसकी योजना कैसे बनानी है, आपकी मिट्टी की सेहत कैसी थी,
सब रिकॉर्ड्स अपने साथ रखिए आप अपनी भाषा में, अपने साधारण तरीके में, जहां आप समझ सकें और आपको क्यों समझना है, ताकि आप आगामी फसलों की योजना बना सकें और उन्हें बेचने की क्षमता भी। मैनेजमेंट में आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, मैं कीट मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, पर अपनी धरती को अंडयू प्रिस्टीन प्रिस्टेशन क्लोरीफेशन से बचाएं। अब ये क्या है एंडयू पेस्ट इन्फेस्टेशन? ये कुछ अजीब शब्द हैं और कुछ नहीं। एंडयू पेस्ट इन्फेस्टेशन कि आप अपने खेत में किसी भी तरह की खरपतवार ना उगने दें, क्योंकि आप कीट को बुलावा देंगे कि वो वहाँ आकर रहे। आप देखेंगे कि बंज अच्छी तरह साफ नहीं हैं। फसल उगने के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप इसको उगाते हैं तो आपको अपनी एकाग्रता केवल फसल पर रखनी है, आपको किसी और चीज के बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। जब बच्चा घर पर होता है तो माँ के पास बिल्कुल समय नहीं होता, वो खुद के बारे में भी नहीं सोच पाती। वो इंतज़ार करती है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और उसको आराम मिले। शुरुआत में उसको 2400 घंटे उसका ख्याल रखना पड़ता है। जब बच्चा सोता है आप सोते हैं, जब बच्चा उठता है तो आप उठ जाते हैं। फसल के लिए भी उतनी ही ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फसल भी बहुत अच्छा काम करेगी, आपको ज़्यादा उत्पादन भी देगी। इस तरीके से पर यूनिट क्षेत्र में आप अपनी उत्पादकता और बढ़ा सकते हैं। अपनी धरती में हमें जानना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों के सवालों से और अच्छे से समझा दूंगा जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा। बहुत सारी दिक्कतें और मुद्दे होंगे कि एक साल यहाँ सूखा पड़ सकता है और एक साल बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल, हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं, हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। ध्यान रहे, अनिश्चितता ही किसानों के लिए फायदेमंद है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है खेती में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दूसरे क्षेत्रों में निश्चित है कि आज बंद है तो बंद है। खेती में ऐसा नहीं है, अनिश्चितताएं इसी का हिस्सा हैं। जितनी ज़्यादा ये होंगी उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। बस कुछ फसलों को दिक्कत होती है बाजार में बिकने में, हम उन्हें फसलों के उगने के दौरान मैनेज नहीं कर सकते। दिक्कत है नमी, नमी से फंगस पैदा होती है। मतलब क्या, गेहूं, धान, बाजरा या कोई भी अनाज की फसल, अगर नमी बहुत ज़्यादा है आप इसे 20 दिन या 10 दिन के लिए रख दें, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इसे समझें और मैनेजमेंट सेक्टर में इस बात का ध्यान रखें कि मेरे खेत में नमी इतनी ही होनी चाहिए ताकि अनाज की क्वालिटी हमेशा अच्छे से बनी रहे, इससे पहले कि ये किसी मंडी या बाजार में बिकने के लिए जाए। इसके लिए आपको कटाई के शेड्यूल की योजना बनानी होगी। सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देने से जल्दी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल गलत है। ज़्यादा सिंचाई से दिक्कतें बढ़ेंगी। फसल के पक जाने के बाद उसे परिपक्वता चाहिए, इस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। ग्रेन फिलिंग और पैनिकल स्टेज के दौरान, हम उसे पैनिकल कहते हैं, फूल निकलता है और अनाज बनने लगता है, धान गेहूं ये बढ़ रहा है, वो भरने वाले थोड़ी ज़्यादा नमी लेते हैं, फसल पर ज़्यादा तनाव होता है तो ज़्यादा नमी चाहिए होती है। एक बार फसल भर जाए मिल्की स्टेज के लिए, किसी भी अनाज के लिए मिल्की स्टेज होने के बाद वो केवल डिहाइड्रेट होता है, वो सख्त हो जाता है। आप अपनी सिंचाई कम कर दें, अपनी फसल की कटाई को सही मैनेज करें। तो फायदे हैं कि कंबाइनर बहुत आसानी से मिल सकता है। मेरे कुछ साथी किसान इस क्षेत्र को नज़रअंदाज कर देते थे, अपने खेत में कंबाइनर नहीं चलाते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी या तो उसको वहाँ पहुँचने में 10 से 15 दिन लग जाते थे या फिर बहुत भारी बारिश हो जाती थी। अगर आप पिछले साल की बारिश का हिसाब लगाकर इसे अच्छे से मैनेज कर पाएँ शायद वो पास हो जाए। फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पर आप योजना क्यों नहीं बनाते, आप उस तरह काम क्यों नहीं करते? ये बात ध्यान रखें कि कंबाइनर वहाँ लाना ही होगा, मैं हाथ से कटाई नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है 20 औरतों को इकट्ठा करना।
तो क्यों अपने आप को परेशान करें गेहूं, चावल, धान या कोई भी फसल काटने के लिए। अगर आप अच्छे तरीके से नमी के लेवल को मैनेज करें तो हार्वेस्टर आ सकता है, कटाई बहुत कम समय में हो जाएगी। ना केवल समय बचाते हैं बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ये सब मैनेजमेंट स्किल्स के हिस्से हैं जिनका आपको ध्यान रखना ही होगा। दूसरी बात, रखरखाव यहाँ आता है मैनेजमेंट के हिस्से में। हम सब उपकरणों को खरीद लेते हैं जल्दी जल्दी, ट्रैक्टर कंबाइन ले लेते हैं, सारे उपकरण स्प्रेयर वगैरह सब, लेकिन हर मशीन की तरह इनको भी रखरखाव चाहिए। ऐसा हम कब करते हैं? खेती के दौरान हमें छुट्टी मिलती है जब हमें फसल नहीं उगानी होती, साल में 2-3 महीने का ऑफ होता है, जगह जगह पर निर्भर करता है, पर आपके पास वो 2-2.5 महीने का शेड्यूल होना चाहिए। भारी बारिश और दूसरा है गर्मी, अब ये दो खेती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसमें आप अपने मशीन की सर्विस कराइए, ट्रैक्टर की सर्विस कराइए, ताकि जैसे ही आप खेत में काम करने के लिए हैं आपका ट्रैक्टर एकदम तैयार हो, आपका वाटर पंप तैयार हो, आपका स्प्रेयर तैयार हो। हमारे ज़्यादातर किसानों को दिक्कत तब होती है जब वो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर ट्रैक्टर का कलच टूटा हुआ होता है, फिर 10 दिन आप उसके पीछे दौड़ते हैं। आपने ये 10 दिन अपने फसल के 10 दिन गवा दिए, महत्वपूर्ण आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। और इसे पहले कराते तो आपके कुछ 1000 रुपये बच जाते, अब आपने 5000 रुपये के करीब गवा दिए हैं। 1000 बचा रहे हैं 5000 गवाने के लिए, बस एक आम मैनेजमेंट स्किल की वजह से। ऐसे ही कुछ आपके स्प्रेयर काम ना करे फसलों के दौरान। जब आप फसल उगाते हैं तो आपका पूरा ध्यान फसल पर होता है, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप स्प्रेयर लाएं, इसे नजरअंदाज करना पड़ता है। आपको स्प्रेयर नजरअंदाज करना होगा या फिर आपको कम स्प्रे करना होगा, ये सब आपकी उत्पादकता को कम करता है। पर अगर हम इन सब क्षेत्रों में मैनेज कर पाएं फसल चक्र के दौरान, जैसा मैंने कहा, बीज से लेकर पहले 35 दिन तक वेजिटेटिव मतलब ये बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ध्यान देना होगा पौध पर, अनाज पे, फूल या जो हम खाने वाले हैं, फिर आती है मैच्योरिटी। इन 3 चीज़ों की मैनेजमेंट फसल चक्र के दौरान उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। हम तत्वों की बात करते हैं, वो इसे मैनेजमेंट से जोड़ता है। आपको याद हो तो तत्वों के बारे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी में मोबाइल होते हैं, यानी कि वो मिट्टी में चलते हैं। नाइट्रोजन उनमें से एक है, बोरोन है। अब ये नाइट्रोजन और बोरोन, इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसका प्रयोग बांट देना होगा। अगर एक फसल को एक यूनिट चाहिए नाइट्रोजन की, तो पूरा नाइट्रोजन एक दिन में ही नहीं डाल देंगे, मतलब आप खराब कर रहे हैं, ये उड़ जाता है या बारिश के साथ ये बह जाता है। ऐसी चीज़ों को मोबाइल एलिमेंट कहा जाता है। मैं कहूँगा कि इसे बांट कर लगाएं, केवल 5 या 6 लें बजाय कि पूरा एकदम डालने के। अगर आपको 100 किलो डालना है तो 100 का 100 पूरा एक साथ नाइट्रोजन में न डालें, बांट बांट कर लगाएं उसकी बढ़ोतरी के समय। हर हफ्ते 5 किलो, हर हफ्ते 10 किलो, फिर 20, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। फिर जो भी आपने डाला होगा आपकी फसल ने उसे ग्रहण किया होगा, वो खराब नहीं हुआ होगा, या फिर नदी नालों में नहीं बह गया होगा जो प्रदूषण के साथ आपका पैसा बर्बाद करती है। सब बर्बाद होता है। कीट, ये मैनेजमेंट में आता है। आपको पता है सबसे अच्छा समय कीट निकालने का, जल्दी, बिल्कुल सुबह सुबह सबसे अच्छा समय है कीट निकालने के लिए, खेत घूमने के लिए। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेतों में खाद से ज़्यादा पैरों का लगना ज़्यादा जरूरी है। पैरों से मेरा मतलब सुबह जल्दी जाकर देखें कि खेत में क्या हो रहा है, केवल सुबह ही आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे। क्यों? ज़्यादातर कीड़े नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब कि उन्हें सूरज पसंद नहीं है, उनको सूरज से नफरत है। जब सूरज से रोशनी आती है
वो छुप जाते हैं। आप 6:30-7 बजे के बाद वहां जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल फसल खाई जाती है, फसल को बुरी तरह खा जाते हैं। आप जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं, कीट नहीं मरेंगे, वो पहले ही मिट्टी के नीचे दब चुके हैं, वो केवल और केवल रात को ही बाहर आएंगे सूर्यास्त के बाद, क्योंकि कीटों को निशाचर कहा जाता है। ज़्यादातर कीड़े वो ज़्यादातर देर रात को ही वो फसल को खाना शुरू करते हैं ठंडे समय में। अब मैनेजमेंट में, कीट मैनेजमेंट में आपको स्प्रे का टाइम चुनना पड़ेगा। उदाहरण देता हूँ, शुरुआत में मैंने कहा था मैं अपनी पत्ता गोभी के लिए बहुत स्प्रे करता था, उस वक्त कीड़ों को लेकर जागरूक नहीं था कि ये कीड़े शाम को 6 बजे के बाद अपना काम शुरू करते हैं। मैं अपना काम 6 बजे के बाद बंद कर देता था, ये नहीं जानता था। मैं स्प्रे करता रहता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो रात को आ जाते थे, मेरी पूरी फसल खा कर सो जाते थे। मैं सुबह आता और फिर से स्प्रे कर देता। एक बार मैंने ध्यान से आवाज़ सुनी रात को, शाम को वो खा रहे थे, कुछ 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 आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कैसी आवाज़, मैंने टॉर्च ली तो वहाँ पर कीड़े थे। मैंने उस समय उन पर हमला किया, वो मर गए, मैं जीत गया, वो जंग हार गए। देखिए बिल्कुल आम मैनेजमेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ बिना उलझाए ये आपको नेक्स्ट स्टेप तक ले जाएगा। मैंने आपको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण स्किल है और पौधों के बढ़ते समय ये बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। आप सबके सवालों का जवाब देकर मैं खुश होऊंगा जब आप वापस आएंगे। जितना भी मैं जानता हूँ सब आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का यह एपिसोड बहुत ज्ञानवर्धक था, खासकर फार्म मैनेजमेंट साइट पर। सभी किसान फार्म मैनेजमेंट की स्किल्स को छोड़ देते हैं। फार्म मैनेजमेंट से मैंने क्या समझा? भूमि की तैयारी से शुरू होकर फसलों के बाजार तक जाने तक खेत की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना केवल फसल के उत्पादन को बढ़ा देगा बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद सभी किसान फार्म मैनेजमेंट स्किल का फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।